हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज चुनावों में विजय परचम के लिए दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी संपूर्ण दमखम झोंक दिया है। अपनी साख स्थापित करने के लिए दोनों दलों ने अपने अपने युवा दिग्गजों को जिला परिषद सीटों पर उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने अपने छात्र संगठन NSUI के नेताओं पर दाम खेला है। कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार किसान बिल को अपना प्रमुख हथियार बनाकर जनता के बीच जा रहे हैं। कांग्रेस जीत को अपने पक्ष में करने के लिए ढिलाई बरतने के मूड में नहीं लगती। कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार किसान बिल को अपना प्रमुख हथियार बनाकर जनता को रिझाने का पूरा जोर लगा रहे हैं। जिला परिषद सीट जलगाटवा से इस बार अभिनव कुमार चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। किसानों को जो प्रॉब्लम्स आ रही है आपने देखा ही है, रिसेंट में सारे किसान बेचारे वहाँ पे भाई हमारे वहाँ जाके बैठे हैं, उनकी जो समस्या है उसको सरकार सुन नहीं रही है, जो मौजूदा सरकार है, तो उसको लेकर भी हम जो है संघर्ष रखेंगे सर साथ में। सर ऐसा है, जो भी हमारे किसान भाइयों के हित का कार्य होगा उसके लिए हमें जो भी करना पड़े, चाहे किसी के भी खिलाफ जाना पड़े, चाहे किसी के भी साथ, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। क्योंकि हमारे जो किसान भाई हैं वो हमारे मतलब कि जो खेती बाड़ी करने वाले जो लोग हैं सर, उनके साथ खड़े होने की ज़रूरत है यूथ को, खासकर इस टाइम पे। NSUI पहले पदाधिकारी रहे हैं तो NSUI में सर मैं बहुत लंबा समय बिताया है मैंने, मतलब मैं कैंपस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, मैंने चुनाव भी लड़ा है सर NSUI से, तो मतलब मैंने छात्र हित के लिए बहुत से काम किए हैं। जब सर ऊना कॉलेज में BCA सेंक्शन करवाई थी, पहला वो मतलब कोर्स था जो प्रोफेशनल कोर्स, वो हम लोग लेके आए थे, राजा वीरभद्र सिंह जी ने वहाँ पे वो सेंक्शन किया था। तो मतलब ऐसा हमने बहुत सारे कार्य किए, छात्रों के लिए बहुत सारे काम किए हैं, जो मेरे सहपाठी होंगे वो आपको बताएंगे। इस सीट से पहले भी NSUI के ये हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, नेता वो यहाँ जिला परिषद रह चुके हैं, बिल्कुल, वो बागी होकर के लड़े थे, तो क्या लगता है कि NSUI यहाँ पे विभाजित है या अब किस तरीके का समर्थन यहाँ पे? देखिए सर, इस समय जो माहौल है वो ये है कि NSUI यूथ कांग्रेस, सीनियर कांग्रेस, सारी की सारी कांग्रेस जाओ, वो एकजुट होकर ये चुनाव को लड़ेगी, और मैं आपसे वादा करता हूँ हम ये चुनाव जीत के आपके सामने आएंगे दोबारा एक बार।